हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने घर में वाटर प्यूरीफायर प्योरिट की जाली को कैसे साफ करती हूँ। इस जाली को साफ करना बहुत ही आसान है। तो ये है वाटर प्यूरीफायर प्योरिट की जाली, जिसे माइक्रोफाइबर मैश भी कहते हैं। तो प्योरिट में जब भी हम पानी डालते हैं तो सबसे पहले इसी का काम होता है, तो इसमें से पानी छन कर नीचे जाता है। तो जो पानी में दिखाई देने वाली गंदगी होती है वो इसी से छन कर जाती है, जिसकी वजह से ये जाली मैली हो जाती है। और मोस्टली या तो लोग इसे धोते ही नहीं या फिर इसे साबुन से साफ कर देते हैं, दोनों ही गलत बात है। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि हम इसे कितनी आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैली हो जाती है, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम कितनी मैली है। और साफ करने के बाद जाली कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अक्सर जब भी जाली ज्यादा मैली हो जाती है और पानी निकलना स्लो हो जाता है तो हम जाली को ही बदल देते हैं, क्योंकि हमें इसे साफ करने का तरीका मालूम नहीं होता। आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस तरीके को जानकर आप कहेंगे पहले क्यों नहीं पता था। तो आइए माइक्रोफाइबर मैश को साफ करते हैं। तो ये जाली बहुत ज्यादा मैली है, तो इसे साफ करने के लिए हम वही टैप यूज करेंगे जिसमें पानी प्रेशर से आता है, और आप इसके आगे हाथ रखकर भी प्रेशर बना सकते हैं और इसे प्रेशर से साफ करेंगे। माइक्रोफाइबर मैश को साफ करने के लिए भी किसी भी साबुन को यूज नहीं करना होता, इसे हम सिर्फ पानी से ही साफ कर सकते हैं। तो आप कोई भी टैप जिसमें भी प्रेशर से पानी आता है उसके नीचे इसे रखेंगे। तो इसको मैंने अंदर से उल्टा कर लिया है, तो आप प्रेशर से जब इस पर पानी डालेंगे तो सारी मैल अपने आप निकलती जाएगी। तो इसे घुमाते हुए हम पानी के नीचे करते जाएंगे तो प्रेशर से सारी डस्ट निकलती जाएगी। तो अभी मैं आपको पूरी साफ करके दिखाऊंगी। तो इस जाली को साफ करने के लिए हमें ना तो कोई ब्रश यूज करना है, ना ही कोई स्क्रब यूज करना है और ना ही कोई साबुन वगैरह यूज करना है। तो इसे सिर्फ पानी से ही साफ कर सकते हैं, वो भी प्रेशर से ही इसकी सारी डस्ट निकल जाएगी। अगर हम हफ्ते में भी एक बार इस जाली को साफ कर लें तो हमें इसे साफ करने में मेहनत भी कम लगेगी और इस जाली की लाइफ भी बढ़ेगी। तो अभी मैंने इसको उल्टा करके एक बार साफ कर लिया, अब इसको सीधा करके मैं फिर से साफ करूंगी। तो इस तरह से सारी मैल अपने आप निकल जाएगी, सिर्फ प्रेशर से पानी हमने डालना है और हाथ से ही हम इसको मलकर साफ कर देंगे। कोई भी ब्रश यूज करेंगे तो ये जाली खराब हो जाएगी। तो इस तरह से माइक्रोफाइबर मैश को मैंने पानी के प्रेशर से और हाथ से ही मलकर इसे साफ किया है। माइक्रोफाइबर मैश में से पानी बहुत ही आसानी से निकल रहा है। प्योरिट प्यूरीफायर की माइक्रोफाइबर मैश पूरी तरह से साफ हो चुकी है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई डस्ट नहीं है। अगर आपकी माइक्रोफाइबर मैश भी पानी धीरे धीरे निकालती है तो आप भी उसे इस तरीके से साफ करें, इसे साफ करने का यही एक तरीका होता है। तो माइक्रोफाइबर मैश को साफ करने का ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।